बहुत स्वागत है विद्यार्थियों, बायोलॉजी के अगले क्लास में हम जिस चैप्टर को डील कर रहे हैं वो है सर्कुलेशन। और आज का जो टॉपिक है विद्यार्थियों, जैसा कि आप पीछे में देख सकते हैं, आज का टॉपिक है हार्ट अटैक यानी कि दिल का दौरा। विद्यार्थियों, आप देखते होंगे कि फिल्मों में, टीवी में या सुनते होंगे कि जब कोई खराब या कोई दुखद खबर आती है तो व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, हाल फिलहाल में विद्यार्थियों, जो जानवी कपूर की माँ श्रीदेवी कपूर, ठीक है, उनका जो निधन था वो भी हार्ट अटैक यानी दिल के दौरे के कारण ही हुआ था। विद्यार्थियों, दिल का दौरा जो है वो बहुत आम है, बहुत कॉमन बीमारी। विद्यार्थियों, पहले ये बीमारी नहीं थी लेकिन अब ये बीमारी कॉमन हो गई है। इसमें बहुत बड़ा कारण है विद्यार्थियों, मोटापा, ओबेसिटी, ठीक है, सामान्य से अधिक वजन का होना। और सामान्य से अधिक वजन जो है वो है तैलीय भोजन या फिर असंतुलित भोजन या हम कहें अनियंत्रित भोजन के कारण। इस टॉपिक में हम समझेंगे विद्यार्थियों कि हार्ट अटैक होता क्यों है, दिल का दौरा आखिर होता क्यों है, दिल का दौरा क्या होता है और क्यों दिल का दौरा किसी को पड़ता है, मुझे तो नहीं पड़ रहा है, या ये जो कैमरामैन सामने बैठे हुए मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है, इनको तो हार्ट अटैक का दौरा नहीं पड़ा है, इनका तो दिल का दौरा नहीं पड़ा है। लेकिन क्या है कि कुछ लोगों को दिल का दौरा पड़ता है, हार्ट अटैक होता है। तो आखिर ये हार्ट अटैक क्यों होता है, इस चीज को हम समझेंगे। ठीक है, देखिए विद्यार्थियों, मैंने आपको इसके पहले बताया था कि हमारे शरीर के सभी भागों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता? ऊर्जा की आवश्यकता। ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है? तो कार्य को करने के लिए। कौन सा कार्य? मूवमेंट, मोशन, गति। जो हम मोशन करते हैं, गति करते हैं, उसके लिए ऊर्जा चाहिए। मैं हाथ को हिला रहा हूँ, ऊर्जा चाहिए। आँखों के पलकों को बंद कर रहा हूँ, ऊर्जा चाहिए। कुछ बोल रहा हूँ, ऊर्जा चाहिए। गर्दन हिला रहा हूँ, ऊर्जा चाहिए। झुक रहा हूँ, उठ रहा हूँ, ऊर्जा चाहिए। तो शरीर के किसी भी भाग में जब गति होती है विद्यार्थियों, तो वो ऊर्जा के कारण ही होती है। यदि ऊर्जा ना रहे तो हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। यही चीज़ मैंने आपको वर्क पावर एंड एनर्जी फिजिक्स का जो चैप्टर था वहाँ भी बताया था विद्यार्थियों, और यहाँ भी बता रहा हूँ कि यदि हम खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, तो उससे हमें क्या मिलता है? उससे हमें मिलता है ऊर्जा यानी कि एनर्जी। यदि किसी आदमी को 10 दिन भोजन ना दिया जाए तो क्या वो काम कर पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। उसके लिए उठना मुश्किल हो जाता है। 10 दिन से 12 दिन, 15 दिन, जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है, उनको पलकें उठाने में बहुत परेशानी होती, पलकों को उठाने तक भी ऊर्जा नहीं बचती है यदि आदमी को बहुत दिन तक भूखा रख दिया जाए तो। ठीक है, सांस लेने में दिक्कत होती है, हम जो सांस ले रहे हैं हमें कोई असर नहीं पड़ रहा है, लेकिन जब बहुत आदमी बहुत दिनों तक भूखा रहता है उसे सांस लेने में बहुत ताकत लगता है, बहुत ऊर्जा लगता है, क्योंकि शरीर में ऊर्जा की मात्रा जो होती है वो बहुत घट चुकी होती है। ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों, हम अपने यदि हृदय को देखें तो हृदय संकुचित हो रहा है, फैल रहा है, संकुचित हो रहा है, फैल रहा। और मैंने आपको बताया था जो अलिंद है उसकी भित्ति मोटी है, नीले की भित्ति अलिंद की भित्ति पतली है, नीले की भित्ति मोटी है। तो ये मैंने आपको हार्ट का डायग्राम बनाया था विद्यार्थियों, ये मैंने हार्ट के डायग्राम में आपको बताया था कि ये जो भित्ति है ये भित्ति पतली है और ये जो भित्ति है ये भित्ति मोटी है, ये इतनी मोटी इसकी दीवार है, यहाँ ब्लड रहता है, यहाँ ब्लड रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल उठता है, ये जो मोटी मोटी जो भित्ति है ये किस चीज़ की बनी हुई है? लोहे की, सीमेंट की, रबर की, प्लास्टिक की, लकड़ी की, मिट्टी की, किस चीज़ की ये दीवार बनी हुई है? ठीक है, तो ये जो दीवार है विद्यार्थियों ये बनी है मसल्स यानी कि मांसपेशियों की। और जैसा आप जानते हैं ये दोनों एक साथ सिकुड़ता है, ये दोनों एक साथ सिकुड़ता है। यहाँ पर सिकुड़ने का मतलब है गति करना। यहाँ पर यदि गति हो रही है तो यहाँ पर आवश्यकता किसकी है? ऊर्जा की, एनर्जी की। एनर्जी की आवश्यकता यहाँ है विद्यार्थियों। यदि इन्हें एनर्जी मिलता है तभी ये संकुचित होंगे, सिकुड़ेंगे। ठीक है,
तो इनको चाहिए एनर्जी, ठीक है। अब एनर्जी हमारे शरीर के भागों को, मैं हाथ ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, हमारे मैं मेरे इस भाग को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त हो रही है, मेरे हाथों को ऊर्जा कहाँ से मिल रही है, ठीक है। तो विद्यार्थियों, मेरे हाथों को ऊर्जा मिल रही है ग्लूकोज और ऑक्सीजन से। याद कीजिए, मैंने रेस्पिरेशन चैप्टर में आपको बताया था, हम जो खाना खाते हैं मैक्सिमम भाग क्या है उसका, प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है या विटामिन है, वो मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट है। ये कार्बोहाइड्रेट टूटता है किसमें, सबसे सरल रूप ग्लूकोज में। ये ग्लूकोज पहुंचता है कहाँ पर, हमारे कोशिकाओं तक। ग्लूकोज के साथ ही साथ रक्त के द्वारा और क्या पहुंचता है, ऑक्सीजन। ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं और वहां पर ग्लाइकोलाइसिस होता है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल होता है। इन दोनों पर क्रिया में कौन सा समान चीज उत्पन्न होता है, कॉमन एटीपी। और एटीपी क्या है, एनर्जी है, यानी कि ऊर्जा है। तो हम यदि अपने हाथ को हिला रहे हैं तो ये मांसपेशियां काम कर रही है, यहां पर एटीपी कंज्यूम हो रहा है। उसी तरह से विद्यार्थियों, हमारा हृदय भी गति करता है, इसे गति करने के लिए ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए, और एनर्जी एटीपी के रूप में है। एटीपी ये कहां से बनाएगा, ग्लूकोज और ऑक्सीजन से। तो ये मांसपेशियों का बना हुआ है। मांसपेशियां किसकी बनी हुई है, छोटी छोटी कोशिकाओं की। तो इस कोशिका को यदि हम बड़ा करके देखेंगे तो वही बात हो गया विद्यार्थियों, ऑक्सीजन आया, ग्लूकोज आया, यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया, यहां ग्लाइकोलाइसिस हुआ, क्रेब्स साइकिल हुआ। तो इस तरह से करोड़ों अरबों कोशिकाएं हैं, असंख्य कोशिकाएं हैं, और सभी कोशिकाओं में ये कार्य होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है और उसी ऊर्जा से हृदय सिकुड़ता और फैलता है, ठीक है। अब ये ऊर्जा जैसे मैंने आपको बताया ग्लूकोज और ऑक्सीजन की सहायता से होता है, तो ग्लूकोज हमारे शरीर में कहां पर बनता है, माथे में, गले में, छाती में, पेट में, पैर में, कमर में, आमाशय में, हमारे यकृत में, अग्नियाशय में, किडनी में, कहाँ पर बनता है ग्लूकोज, बताइए। ग्लूकोज बनता है छोटी आंत में। याद कीजिए, कार्बोहाइड्रेट का संपूर्ण पाचन कहाँ, छोटी आंत में। ग्लूकोज कहाँ बनेगा, छोटी आंत में। ऑक्सीजन हमारे शरीर के किस भाग से रक्त में जाता है, आंखों से जाता है रक्त में, या जीभ से, या दांत से, या गले से, या फेफड़े से। फेफड़े से, फेफड़े में कुपिका थी, यहाँ पर ऑक्सीजन था, ये ब्लड में घुला, कार्बन डाइऑक्साइड कुपिका से बाहर आ गया, ठीक है। तो ये जो ब्लड में ऑक्सीजन गया वो कहाँ से गया, लंग्स से, ठीक है, लंग से, यानी कि फेफड़ों से। तो ये हमारे फेफड़े, ये हमारा हृदय, यहाँ हमारी आँख। तो आँख से ग्लूकोज आया हृदय तक, यहां से ऑक्सीजन आया हृदय तक। अब हृदय तो शुद्ध रक्त को, मैंने आपको बताया था, यहां से महाधमनी है और महाधमनी से ये शुद्ध रक्त प्रवाहित करता है, और इस शुद्ध रक्त में जाहिर सी बात है ऑक्सीजन होगा। आगे जाकर के ये पेट में पहुंचेगा, ये इसको ग्लूकोज मिल जाएगा, और ऑक्सीजन और ग्लूकोज सभी कोशिकाओं में पहुंचेगा। अब ये जो ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलता है ये वापस हृदय के अंदर प्रवेश करता है। एक धमनी है, ठीक है, यानी कि एक आर्टरी है, ये आर्टरी इस भित्ति के अंदर जाती है। इस आर्टरी का नाम है विद्यार्थियों कोरोनरी आर्टरी। हिंदी में इसे कहा जाता है कोरोनरी धमनी। तो शुद्ध रक्त जो हृदय अपने महाधमनी से बाहर करता है वो एक पतली धमनी से पुनः आता है उसके भित्तियों के अंदर। इस धमनी को क्या कहा जाता है, कोरोनरी धमनी। इस धमनी में जो रक्त आता है वो कैसा आता है, ऑक्सीजन और ग्लूकोज से घुला हुआ। ये ऑक्सीजन और ग्लूकोज से घुला हुआ धमनी के द्वारा जो रक्त आता है ये सभी कोशिकाओं तक पहुंचता है। जो मैंने आपको कहा करोड़ों जो कोशिकाएं हैं, असंख्य कोशिकाएं हैं, उन सभी कोशिकाओं में ग्लूकोज और ऑक्सीजन पहुंचता है, वहां पर ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स साइकिल होता है, और यहां पर बहुत सारे एटीपी का निर्माण होता है, और इसी एटीपी के प्रयोग से हृदय सिकुड़ता फैलता है, धड़कता है,
गति करता है। ठीक है, अब इस कोरोनरी आर्टरी को यदि मैं यहाँ पर बना के समझाऊं विद्यार्थियों, तो मान के चलिए ये कोरोनरी आर्टरी है। ठीक है, अब यदि हम बहुत ज़्यादा तैलीय भोजन का सेवन करते हैं, कचौड़ी पकौड़ी समोसा ठेले वाला समोसा ठेले वाला गुपचुप जलेबी ये सब यदि आपको बहुत ज़्यादा पसंद है या किसी को पसंद है उसके चक्कर में उसको खिलाने में उसको इम्प्रेस करने के चक्कर में आप भी खाए जा रहे हैं, तो संभवतः आप भी कभी कोलेस्ट्रॉल के कारण उत्पन्न बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों यदि हम बहुत ज़्यादा डालडे वाले तेल वाला भोजन खाते हैं तो जैसा मैंने आपको बताया था वो हमारे धमनी की भित्तियों में चिपकने लगता है। वो शरीर की कोई भी धमनी हो सकती है, वो हृदय की कोरोनरी धमनी भी हो सकती है। तो ये मान के चलिए कोरोनरी धमनी विद्यार्थियों, और ये कोरोनरी धमनी है और यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल का जमाव शुरू हो गया। ठीक है, ये जमाव बढ़ता जाएगा विद्यार्थियों, बढ़ता जाएगा और एक समय आएगा कि ये जो छिद्र है लगभग लगभग खत्म हो जाएगा। तो इसके कारण से विद्यार्थियों हृदय में ब्लड आना बंद हो जाता है। ठीक है, हृदय में ब्लड नहीं जा पाएगा। अब हृदय में ब्लड नहीं जाएगा तो क्या होगा, हृदय के भित्तियों के अंदर इसमें ब्लड आ रहा है, कभी मत कंफ्यूज करना। ठीक है, इसमें ब्लड आ रहा है, इसमें आ रहा है, वो सारा प्रक्रिया हो रहा है, धड़क रहा है, लेकिन दीवार के अंदर भित्तियों के अंदर नहीं ब्लड जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, इसको भित्तियों को ऑक्सीजन और ग्लूकोज में जिसकी बात कर रहा था ये ऑक्सीजन और ग्लूकोज नहीं मिलेगा, और यदि ये ऑक्सीजन और ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो किस चीज़ का फॉर्मेशन नहीं होगा, एटीपी का। ठीक है, और यदि एटीपी का फॉर्मेशन नहीं होगा तो उसको क्या नहीं मिलेगा, उसको नहीं मिलेगा एनर्जी, और एनर्जी नहीं मिलेगा तो क्या हृदय धड़केगा, नहीं, हृदय धड़कना बंद कर देगा। किसी कारण से थोड़ा मोड़ा कुछ समय के लिए विद्यार्थियों ये जो हार्ट अटैक होता है ये कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड के लिए, 1-2 सेकंड के लिए, 5-10 सेकंड के लिए, बस उतने ही देर के लिए ये हार्ट अटैक होता है। तो हार्ट अटैक आया, खून की कमी हुई, हृदय को धड़कना बंद कर दिया, उसके बाद फिर से किसी कारण से यदि थोड़ा सा ये ब्लॉकेज क्लियर हो जाता है ब्लड के प्रेशर के कारण तो फिर से आने लगेगा, लेकिन खतरा हमेशा रहता है कि ये रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। और फिर से यदि कभी रास्ता ब्लॉक होता है तो व्यक्ति को दिल का दौरा यानी कि हार्ट अटैक हो जाता है। ठीक है, अब विद्यार्थियों यहां पर सवाल उठता है कि हार्ट अटैक से कैसे बचें। ठीक है, देखिए यदि हार्ट अटैक आपको नहीं हुआ है तो तैलीय भोजन का सेवन कम करें, बेस्ट है। ठीक है, ये सबसे अच्छा उपाय है। पहले की बात करो विद्यार्थियों, पहले के समय में लोग अधिक शारीरिक कार्य करते थे। ठीक है, अभी भी आप ग्रामीण क्षेत्रों में देखेंगे, आप अपने आसपास अपने घर में दादा चाचा को देखिए, वो यदि खेतों में काम करते हैं तो उनका शरीर गठीला है, पतला दुबला है। ठीक है, क्यों, वो जितना खाते हैं उससे ज़्यादा वो काम कर लेते हैं, तो उनके शरीर में फैट्स का वसा का डिपोजिशन वहाँ पर नहीं होता है, उनका मोटापा नहीं बढ़ता है। लेकिन काफ़ी आप शहरों में खासकर देखेंगे कि लोगों का शारीरिक काम नहीं है, लोग सिर्फ दिमागी काम करते हैं और शारीरिक काम करने में बहुत आलसी होते हैं। अब तो ये चलन गांव में भी चलता रहे, एक से एक आपको कोढ़िया लोग गांव में ही दिखेगा, जितने कोढ़िया गांव में हैं उतने कोढ़िया शहर में नहीं हैं। ठीक है, शहरों में जिनका जो काम है वो समय पे करते हैं, भले उनका शारीरिक काम नहीं है तो वो शारीरिक कार्य नहीं करते हैं लेकिन वो अपना कार्य करते हैं। गांव में कोढ़ियापन अब ज़्यादा होता जा रहा है विद्यार्थियों। ठीक है, तो सारे नमूने आपको दिख जाएंगे ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, और खासकर ये चीज़ है युवाओं में। ठीक है, अब जो भी युवा है विद्यार्थियों उन्हें इच्छा है कि मैं कभी भी कोई शारीरिक कार्य करूँ ना, मैं ऐसा करूं कि कलम चलाऊं, 1 कलम चलाऊं 1,000 रुपया मेरे जेब में आए। ठीक है, वैसा संभव नहीं है। ठीक है, मैं मानता हूं विद्यार्थियों कि हमारा जो जीवन है वो दो ही उपायों से स्थिर हो सकता है, दो ही उपायों से हमारा जीवन संभल सकता है, सुधर सकता है, अच्छा हो सकता है। ठीक है, कौन दो उपाय से, पहला शरीर को चंचल रखिए, काम करते रहिए, कोढ़िया मत बनिए, बैठिए नहीं।
ठीक है, जितना शरीर को चंचल रखेंगे शरीर उतना हमारा सही रहेगा। दूसरा चीज, मन को स्थिर रखिए, शरीर को चंचल रखिए लेकिन मन को स्थिर रखिए, मन को शांत रखिए। आज के समय में व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब सोशल मीडिया के समय में विद्यार्थियों मन चंचल है और शरीर हमारा स्थिर है। ठीक है, आज मैसेज पढ़े, अरे सुशांत सिंह का मर्डर हो गया, अब रिया चक्रवर्ती फंस गई। अब कुछ लोगों का दैनिक कार्य है विद्यार्थियों कि उसको पढ़ना, उस पर ध्यान देना, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। रिया चक्रवर्ती के परिवार जितना चिंतित नहीं होंगे उतना छात्रगण चिंतित रहते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। ठीक है, ये आपका काम नहीं है विद्यार्थियों। ठीक है, कोरोना वायरस से डर के बैठे रहते हैं, क्या हुआ, कहाँ पर कितना डेटा हुआ, कहाँ पर कितना मारा, कहाँ पर कितना जिया। अरे उतना आपको जरूरत नहीं है, आप अपना सेफ्टी रखिए, आप अपना काम कीजिए। ठीक है, कहाँ हिंदू मुस्लिम में झगड़ा हो गया, कहाँ क्या हो गया, ये सभी चीज़ें उन्हें देखनी होती है विद्यार्थियों। ठीक है, तो इससे क्या है कि मन चंचल है। अभी मैंने देखा है कि अभी एक मुहिम चलाया गया है विद्यार्थियों कई कोचिंग संस्थान के द्वारा, उसमें सरकार का विरोध किया जा रहा है कि सरकार जो है वो एसएससी या रेलवे की नौकरियां नहीं दे रही हैं। ठीक है, कई बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है, जैसे मैथ्स का जो राकेश यादव का जो क्लास चलता है वो है इसमें, अभिनव जी हैं और कई पैरामाउंट के शिक्षक हैं, तो कई जो नामी गिरामी शिक्षक, नामी गिरामी संस्थान हैं, वो एक साथ इस मुहिम में आए हैं कि हम लड़ेंगे सरकार से और हम अपनी मांगों को रखेंगे। देखिए विद्यार्थियों, आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करें इसमें। ठीक है, बुद्धि का प्रयोग करने का मतलब है कि आप ये सोच के देखें कि आखिर वो जो इस कदम को उठा रहे हैं क्या उनका कदम उचित है या नहीं है। ठीक है, मैं इसका डिसीजन आप पे छोड़ूंगा, आप दिमाग लगाइए ये उचित है या नहीं है। हमारे पूरे विश्व में अभी जो महामारी फैली है इसके कारण से हमारी इकोनॉमी बहुत खराब हो गई है। ठीक है, अर्थव्यवस्था खराब हो गई है, हमारे सरकार के पास इनकम नहीं आ रहा है, हमारे पास भी इनकम नहीं आ रहा है, जो लोग हैं लोगों के पास भी इनकम नहीं आ रहा है। सरकार अलग अलग एरिया में फोकस कर रही है हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको पटरी में लाने के लिए। आपके परिवार हो या आपका समाज हो, आपका मोहल्ला हो, सभी लोग अच्छे नहीं हैं, कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ लोग खराब हैं। सरकार में भी कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ लोग खराब हैं, कुछ लोग हैं जो घोटाले कर रहे हैं, कुछ लोग दिखावा कर रहे हैं काम करने का लेकिन काम नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी कुछ लोग काम करते जा रहे विद्यार्थियों। ऐसी स्थिति में सरकार पर अतिरिक्त दबाव बनाने से कुछ नहीं होगा, आंदोलन करने से, धरना देने से, ये वो करने से कुछ नहीं होगा, ध्यान आपका सिर्फ भटकेगा। समय जब सुधरेगा, सभी चीज़ें पटरी पे आएंगी, तो नौकरियां आपको मिलेंगे ही मिलेंगी। ठीक है, मान के चलिए अभी सीबीआई की जाँच हो रही है, ठीक है, तो सीबीआई की जाँच हो रही क्यों, क्योंकि सीबीआई में लोग हैं, सीबीआई का एग्जाम हुआ है, सीबीआई में भर्ती हुए तभी तो हैं। ठीक है, इनकम टैक्स में है, नारकोटिक्स में है, बैंक्स में है, तो सभी जगह पे लोग हैं तभी वो काम कर रहे हैं। जब लोगों की कमी होगी तो एग्जाम तो होगा ही होगा, एग्जाम क्यों नहीं होगा। अभी कई कारणों से रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो रुका हुआ है। अब इसके कारण जो है वो लड़कों के दिमाग में भरा जा रहा है, मुहिम में आइए, ये आइए, वो आइए, ये कीजिए, वो कीजिए। इसमें फायदा सिर्फ उनका है जो मुहिम चला रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों के संपर्क में आएंगे, उनके समझिए तो एक तरह से भगवान बन गए वो। ठीक है, कि हम आपके लिए लड़ रहे हैं, लेकिन उसमें उनका अपना निजी स्वार्थ है। निजी स्वार्थ क्या है कि वो लड़कों के कांटेक्ट में आएंगे, उनकी पहुंच बढ़ेगी, उनकी प्रसिद्धि बढ़ेगी, कल को जाकर के उनसे और ज़्यादा लड़के जुड़ेंगे। वरना वो करते क्यों, अपना निजी स्वार्थ ना हो तो आखिर कोई करे क्यों। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को समझिए विद्यार्थियों, आप अपने पढ़ाई पे फोकस रखिए, आप अपने स्टडी पे ध्यान दीजिए। इस समय में कोई मुहिम में है, कोई ये है, कोई वो है, आप पढ़ाई से आपका मन भटक जाएगा, फिर से उसे लगाने में आपको बहुत अधिक समय लगेगा। नेता आपको नहीं बनना है। ठीक है, आप जो कार्य कर रहे हैं उसी कार्य को करिए, आप इसी में सफल होंगे, ये मेरी सोच है विद्यार्थियों। वरना मैंने आपको कहा ही है
कि आप इसे खुद से डिसाइड कीजिए, जरूरी नहीं है कि जो मेरा मत है वो सभी छात्रों का मत होगा, ठीक है। यदि आपका मत अलग है, आपका विचार अलग है, मोस्ट वेलकम, आप उस रास्ते पर चल सकते हैं। हो सकता है कि मैं गलत सिद्ध हो जाऊं और हो सकता है कि आप भी गलत सिद्ध हो जाएं, ठीक है। चलिए, तो खैर विद्यार्थी, मैं यहाँ पर बात कर रहा था कि ब्लड जो है वो ऑक्सीजन और ग्लूकोज लेकर के आता है, लेकिन यदि यहाँ रास्ता इसका रुक जाता है, ब्लड नहीं जा पाता है, यहाँ पर ऊर्जा नहीं बन पाता है, तो हृदय कुछ समय के लिए धड़कना बंद हो जाता है। इसी को हम कहते हैं हार्ट अटैक, यानी कि दिल का दौरा, ठीक है। अब हार्ट अटैक से बचने का उपाय क्या है, ठीक है। तो बचने का उपाय है विद्यार्थियों, बाईपास सर्जरी। बचने का उपाय है बाईपास सर्जरी। बाईपास क्या होता है, एक ऑप्शन, एक विकल्प, ठीक है। जैसे मान के चलिए ये रास्ता है और यहां पर एक कटिंग है, यहाँ के कारण इस जगह पर बहुत ज़्यादा जाम लगता है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, तो हम एक बाईपास बनाते हैं। आप यहाँ से इस एक पतले रास्ते को जोड़ दीजिए, ठीक है, ताकि जिनको इधर ना जाना हो वो बाईपास से होकर निकल जाएं, तो ये भीड़ भाड़ इस जाम से बचे रहेंगे। तो बाईपास क्या है विद्यार्थियों, एक अल्टरनेटिव रास्ता, एक वैकल्पिक रास्ता। तो उसी तरह से यहाँ पर बाईपास सर्जरी होती विद्यार्थियों, यदि यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल जमा है तो यहाँ पर दो जगहों पर काट करके यहाँ पर एक प्लास्टिक का पाइप हृदय में जोड़ा जाता है, ब्लड यहाँ से फ्लो करके इधर चला जाता है। तो बाईपास सर्जरी से हार्ट अटैक, बाईपास सर्जरी के द्वारा हम हार्ट अटैक से बच सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, जैसा मैंने आपको शुरुआत में कहा था विद्यार्थियों, कि कई बार बुरी खबर, अचानक से बुरी खबर सुनने पर हार्ट अटैक होता है, दिल का दौरा बढ़ता है, ठीक है। क्यों, देखिए जब हम दिल का दौरा, जब हम बुरी खबर सुनते हैं विद्यार्थियों, तो हमारा दिमाग सक्रिय हो जाता है, हमारे शरीर में एड्रेनलिन और कई अन्य हार्मोन स्रावित हो जाते हैं। ये एड्रेनलिन हार्मोन हृदय की गति को बढ़ा देता है, ठीक है। जब हम कुछ बुरी खबर सुनते हैं तो डर लगता है, डर से दिल धड़कने लगता है तेजी से। अब यदि दिल तेजी से धड़कने लगेगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगा, क्योंकि धीरे धीरे काम कर रहा है तो कम ग्लूकोज ऑक्सीजन, कम एनर्जी चाहिए। ज़्यादा जल्दी जल्दी काम करेगा तो इसको ज़्यादा ब्लड चाहिए, ज़्यादा ऑक्सीजन और ग्लूकोज चाहिए। अब ज़्यादा चाहिए लेकिन रास्ता जाम है, खून नहीं पहुंच पाएगा, हृदय धड़कना बंद कर देगा, कांपता रह जाएगा, तो वही क्या हो गया, हार्ट अटैक। तो बुरा खबर सुनने पर हार्ट अटैक आता है, क्यों, क्योंकि हृदय तेजी से धड़कने लगता है। तो इस तरह से जैसा मैं हमेशा कहता आ रहा हूँ विद्यार्थियों, इन सब चीज़ों को जब आप सुने हार्ट अटैक के बारे में, इसके बारे में बुरा खबर सुन के ये हो गया, तो आपके दिमाग में आना चाहिए क्यों हुआ उसका, क्योंकि कोरोनरी धमनी में कोलेस्ट्रॉल जम गया, खून नहीं जा पाया, हृदय को ऊर्जा नहीं मिल पाया और हृदय ने कुछ समय के लिए धड़कना बंद कर दिया, तो वही क्या हो गया, हार्ट अटैक हो गया, यानी कि दिल का दौरा हो गया। तो जो मैंने अभी आपको बताया विद्यार्थियों, आप इसे नोट डाउन करेंगे, आप लिखें, इसे लिखिए, हार्ट अटैक दिल का दौरा, हमारे हृदय को कोरोनरी धमनी के द्वारा ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्राप्त होता है, फुल स्टॉप, आगे लिखेंगे, कोरोनरी धमनी हृदय की भित्तियों के अंदर रक्त को प्रवाहित करता है, यदि इंग्लिश में लिखना चाहें तो इंग्लिश में आप लिख सकते हैं, कोरोनरी आर्टरी प्रोवाइड ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन
टू द वॉल्स ऑफ हार्ट ड्यू टू विच हार्ट बीट्स, इसके कारण हृदय धड़कता है। ठीक है, आगे लिखेंगे हिंदी में विद्यार्थियों, फुल स्टॉप देने के बाद। यदि कोरोनरी धमनी, यदि कोरोनरी धमनी के रास्ते में कोलेस्ट्रॉल या किसी भी अन्य कारण से रक्त प्रवाहित नहीं होता है तो कुछ समय के लिए हृदय कार्य करना बंद कर देता है। फुल स्टॉप। इसे हार्ट अटैक कहा जाता है। इंग्लिश में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इफ कोरोनरी आर्टरी इज ब्लॉक्ड ड्यू टू कोलेस्ट्रॉल और एनी अदर फैक्टर कॉमा द सप्लाई ऑफ ब्लड to the walls of heart get stopped due to which heart stops working for some time। Stop. This is called heart attack. ठीक है, हमारा अगला जो टॉपिक है विद्यार्थियों वो है ब्लड यानी कि रक्त। सर्कुलेशन की बात हो और रक्त का जिक्र ना हो, ये हो नहीं सकता। ठीक है, तो अगला टॉपिक ब्लड यानी कि रक्त। विद्यार्थियों रक्त क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है? अरे बहुत इजी सवाल है सर जी, ये तो लिक्विड है। ठीक है, कौन से रंग का है, हरा, नीला, पीला, लाल? बहुत इजी है, लाल। ठीक है, अगला चीज, कुछ को पता होगा कुछ को नहीं पता होगा। ठीक है, लाल किस चीज के कारण है, हमारे खून का रंग लाल क्यों है? माँ कहती है मेरे लाल का खून लाल है। तो हमारे रक्त का जो रंग है विद्यार्थियों वो लाल है हीमोग्लोबिन के कारण, ये तो कईयों को पता होगा। दूसरा सवाल, ये हीमोग्लोबिन रक्त में कहाँ पाया जाता है? ठीक है, तो आरबीसी की सतह पर, लाल रक्त कोशिका की सतह पर। लाल रक्त कोशिका क्या है, हमारे रक्त में पाए जाने वाले कोशिका का एक प्रकार है। ठीक है, हमारे शरीर में जो रक्त है, ठीक है, अब मैं यदि किसी एक वयस्क आदमी को लूं, ठीक है, उसे काट दूं, छील दूं, मार दूं और सारा रक्त एक बाल्टी में जमा कर लूं, तो कितना रक्त आएगा मेरे पास? ठीक है, तो वो रक्त होगा विद्यार्थियों 5 से 6 लीटर। सोच रहे हो कैसा जालिम इंसान है। ठीक है, लेकिन बात समझने की है विद्यार्थियों,
कितना रक्त होगा, 5 से 6 लीटर। उस रक्त का पीएच मान जांच करूं, पीएच मान कितना मिलेगा हमें, 7.4। ये पीएच वैल्यू है ब्लड का, ठीक है, ब्लड का पीएच वैल्यू 7.5। दोनों डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों प्रतियोगिता परीक्षा के मद्देनजर, ठीक है। अगली बात है विद्यार्थियों कि ब्लड हमारे शरीर में जो है अभी, क्या हमेशा से ये ब्लड था यहाँ, जॉब जाएगा, नहीं। ब्लड हम डोनेट भी करते हैं, रक्तदान भी करते हैं, ठीक है। तो उसके जब हम ब्लड को दान करते हैं, रक्तदान करते हैं, तो उसके स्थान पर नया रक्त बनता है। ये रक्त बनता कहाँ से है विद्यार्थियों? तो ये रक्त बनता है, किसी को पता हो तो बताएंगे, हिंदी में उसे कहा जाता है अस्थि मज्जा, ठीक है, हिंदी में अस्थि मज्जा कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं विद्यार्थियों, बताएंगे आप लोग? हिंदी में अस्थि मज्जा, इंग्लिश में क्या कहते हैं उसे? इंग्लिश में उसे कहा जाता है बोन मैरो, ठीक है, अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो, ठीक है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया विद्यार्थियों, ब्लड एक लिक्विड है, किस कलर का है, रेड कलर का, लाल रंग का है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया ये निर्मित कहाँ से होता है, तो ये निर्मित होता है बोन मैरो से, यानी कि अस्थि मज्जा से, ठीक है। हमारे शरीर में कितना खून है, कितना ब्लड है, कितना रक्त है, तो वह है 5 से 6 लीटर। इसका पीएच मान कितना है, पीएच मान है 7.4। अब यदि हम रक्तदान ना करें तो क्या ब्लड इसी तरह रहेगा हमेशा जीवन भर? तो जवाब जाएगा नहीं। रक्त की, रक्त कोशिकाओं की मृत्यु भी होती है, रक्त खत्म भी होता है। रक्त खत्म कहाँ होता है, कोशिकाओं की मृत्यु कहाँ होती है, तो ये विद्यार्थियों किन्हीं को यदि पता है तो बताएंगे, पहले मैं फिर मैं तो बताऊंगा ही, बताएंगे कहाँ पर अंत होता है, तो वो अंत होता है विद्यार्थियों स्प्लीन में। स्प्लीन हिंदी में इसे कहा जाता है प्लीहा। तो अंत विद्यार्थियों स्प्लीन यानी कि प्लीहा में होता है, हमारे कमर के पास ये अंग है, अंग पाया जाता है स्प्लीन यानी प्लीहा, जहाँ ब्लड का एंड होता है, ब्लड एंड करता है अपना जीवन, इसका समाप्त होता है, ठीक है। लाल रंग किसका कारण है, रेड कलर, रेड कलर है विद्यार्थियों हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन क्या है, एक पदार्थ है, किसकी सतह पर चिपका है, आरबीसी के सतह पर। आरबीसी क्या है, एक कोशिका है। ब्लड में कितने प्रकार की कोशिकाएं हैं, तो 3 प्रकार की कोशिकाएं हैं, एक है आरबीसी, दूसरा है डब्ल्यूबीसी और तीसरा है प्लेटलेट्स। आरबीसी का पूरा नाम क्या है, रेड ब्लड सेल्स, इसे हिंदी में कहा जाता है लाल रक्त कोशिका। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कोशिका, और तीसरा है प्लेटलेट्स, हिंदी में इसे कहा जाता है बिंबाणु। तो आरबीसी की यदि उसका हम डायग्राम देखें विद्यार्थियों, तो आरबीसी का डायग्राम इस तरह से, या फिर सामने से देखें तो इस तरह से ये दिखाई देता है। मेरा ड्राइंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा है विद्यार्थियों, कोशिश करता हूँ कि आपको एक उचित डायग्राम बना के दिखाऊं, कुछ इस तरह से। या आरबीसी की, आरबीसी ऐसे देखेंगे तो इस प्रकार से दिखेगा, ऐसे देखेंगे तो इस प्रकार से दिखेगा। तो ये आरबीसी की सतह पर ही कुछ पदार्थ चिपका होता है विद्यार्थियों, और यही पदार्थ क्या है, हीमोग्लोबिन है। इसी हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन जुड़ता था तो बनाता था ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यदि कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ जाता था तो क्या बनाता था, बताएंगे आप लोग, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो वही हीमोग्लोबिन है, किसकी सतह पर, आरबीसी की सतह पर। क्या रंग देता है, लाल रंग देता है। एक आरबीसी की कोशिका विद्यार्थियों जीवित रहता है 120 दिनों तक। आरबीसी काम क्या है, लाल रंग देना,
और उसके सतह पर हीमोग्लोबिन होता है जिसके कारण से उसका दूसरा भी काम हो जाता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करना, वहन करना। दूसरा विद्यार्थी WBC, व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कोशिका। श्वेत रक्त कोशिका हमारे शरीर में विद्यार्थी इम्यूनिटी यानी प्रतिरोधी क्षमता, इम्यूनिटी या फिर कहें इम्यून पावर, प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाने का कार्य करता है। कैसे करता है ये करता है एंटीबॉडी को बना के। एंटीबॉडी को हिंदी में क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है प्रतिरक्षी। एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षी करता क्या है? हमारे शरीर को बीमारियों से बचाता है, डिजीजेस से प्रोटेक्ट करता है। बचाता कैसे है ये बीमारियों से? ये बचाता है कीटाणुओं को नष्ट कर, ठीक है? तो कीटाणुओं को नष्ट करता है और हमारे शरीर को बीमारियों से बचाता है। यानी कि एक तरह से कहें ये हमारे शरीर के प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाता है। ये WBC जो है विद्यार्थियों, ये WBC कुल 5 प्रकार का है। WBC कुल 5 प्रकार का है। पहला जो है वो है बेसोफिल, दूसरा न्यूट्रोफिल, तीसरा इओसिनोफिल, चौथा लिम्फोसाइट और पांचवा है मोनोसाइट, ठीक है? इसमें से सबसे अधिक एंटीबॉडी बनाने वाला, सबसे अधिक जो कारगर है वह है लिम्फोसाइट। तो ये सब क्या है विद्यार्थियों? ये 5 प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स करती क्या है? तो हमारे शरीर के प्रतिरोधी क्षमता को, हमारे शरीर के इम्यून पावर को बढ़ाने का कार्य करती हैं, ठीक है? फिर लास्ट में है विद्यार्थियों प्लेटलेट्स यानी कि बिंबाणु। प्लेटलेट्स क्या कहते हैं विद्यार्थियों? बिंबाणु। तो बिंबाणु हमारे शरीर से जब रक्त निकलता है तो रक्त का थक्का जमाने में या कहें खून को जमाने में सहायता करती। हम कट जाते हैं विद्यार्थियों, खून जमता है, खून निकलता है, बाद में यहाँ पर जम जाता है जिसके कारण खून निकलना बंद हो जाता है। तो जमता किसके कारण है? प्लेटलेट्स के कारण विद्यार्थियों। इन सभी चीज़ों को लिखेंगे विद्यार्थियों, हेडिंग जाएगा ब्लड रक्त, उसमें लिखेंगे यह एक प्रकार का द्रव है, एक प्रकार का द्रव है जो निरंतर हमारे शरीर में प्रवाहित होता रहता है, निरंतर हमारे शरीर में प्रवाहित होता रहता है। इंग्लिश में लिखना चाहें इट इज अ टाइप ऑफ लिक्विड विच कंटिन्यूअसली फ्लोज इन अवर बॉडी। अगला पॉइंट लिखेंगे विद्यार्थियों, नीचे के स्टार देंगे, लिखेंगे अ नॉर्मल ह्यूमन बॉडी हैज 5 to 6 लीटर्स ऑफ ब्लड। एक समान व्यक्ति के शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। अगला पॉइंट लिखेंगे विद्यार्थियों, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। द पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड इज 7.4। अगला पॉइंट लिखेंगे विद्यार्थियों, रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। लिखेंगे इंग्लिश में, ब्लड इज फॉर्म्ड इन बोन मैरो। अगले पॉइंट में लिखेंगे विद्यार्थियों, रक्त प्लीहा में खत्म होता है, क्या कहते हैं? तो प्लीहा में रक्त का अंत होता है या नष्ट होता है, ज्यादा सही है नष्ट, रक्त प्लीहा में नष्ट होता है। इंग्लिश में लिखेंगे, ब्लड गेट
destroyed blood gets destroyed in spleen. अगला पॉइंट लिखेंगे विद्यार्थियों, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स फाउंड इन ब्लड. रक्त में तीन प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं. पहला विद्यार्थियों आरबीसी रेड ब्लड सेल, आरबीसी लाल रक्त कोशिका, रेड ब्लड सेल्स इसके बारे में लिखेंगे विद्यार्थियों. इसकी सतह पर हीमोग्लोबिन होता है. जो रक्त को लाल रंग देता है. इंग्लिश में लिखेंगे, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स इन ब्लड. फर्स्ट आरबीसी रेड ब्लड सेल, उसमें लिखेंगे दिस सेल हैज हीमोग्लोबिन ऑन इट्स सरफेस विच प्रोवाइड्स रेड कलर टू ब्लड. फुल स्टॉप देने के बाद लिखेंगे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का भी वहन करता है. हीमोग्लोबिन ऑल्सो ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. अगले में लिखेंगे विद्यार्थियों, अगला हेडिंग जाएगा WBC व्हाइट ब्लड सेल श्वेत रक्त कोशिका, उसके बारे में लिखेंगे यह प्रतिरक्षी बनाकर हमारे शरीर की प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाता है. क्या लिखना है, यह WBC के बारे में, यह प्रतिरक्षी बनाकर हमारे शरीर की प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाता है. इंग्लिश में लिखेंगे इट बूस्ट्स अवर इम्यून पावर बाय मेकिंग एंटीबॉडीज. अगले लाइन में लिखेंगे WBC के बारे में, यह पांच प्रकार का है और इन पांचों प्रकार के नाम आप लिख लेंगे. इट इज ऑफ फाइव टाइप्स और फिर इन फाइव टाइप्स के नेम आप नोट डाउन कर लेंगे. ठीक है, और लास्ट पॉइंट जो होगा, लास्ट भाग जो है विद्यार्थियों, वो है प्लेटलेट्स. उसके बारे में एक लाइन में लिखेंगे विद्यार्थियों. अच्छा, एक चीज और विद्यार्थियों, आरबीसी में लिखेंगे, आरबीसी का जो जीवन काल है, आरबीसी का जीवन काल आप लिख सकते हैं, आरबीसी का जीवन काल 120 दिनों का है. इंग्लिश में आप लिखेंगे द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज 120 डेज. WBC में लिखेंगे विद्यार्थियों, WBC का लाइफ स्पैन होता है 2 to 5 डेज. ठीक है, प्लेटलेट्स में लिखेंगे जो मैं लिखा रहा था आपको, यह रक्त का थक्का जमने में मदद करता है. यह रक्त का थक्का जमने में या बनने में मदद करता है. इंग्लिश में लिखेंगे प्लेटलेट्स के बारे में, इट helps in clotting of blood. अगले पॉइंट में लिखेंगे उसी में विद्यार्थियों, प्लेटलेट्स का यानी कि बिंबाणु का जीवन काल 2 से 5 दिनों का होता है. WBC का भी वही, प्लेटलेट्स का भी वही. बिंबाणु का जीवन काल 2 से 5 दिनों का होता है. द लाइफ स्पैन ऑफ प्लेटलेट्स इज 2 to 5 डेज. ठीक है, थैंक यू विद्यार्थियों, मिलेंगे अगली कक्षा में. अगली कक्षा में हम ब्लड ग्रुप के बारे में जानेंगे कि हमारे शरीर में जो अलग अलग ब्लड ग्रुप है, AB AB O, ये सब किस प्रकार से हैं, कौन किसको खून दे सकता है, कौन किसको खून नहीं दे सकता है. तो मिलते हैं विद्यार्थियों अगली कक्षा में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहिए.